हे गाइस, मैं विशाल कुमार, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि विदाउट कॉपीराइट गाना जो है सो यूट्यूब से डाउनलोड कैसे करेंगे और उसको कैसे पहचानेंगे कि गाना जो है जो कॉपीराइट नहीं है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि रील्स वीडियो बनाने के लिए या कोई वीडियो को सॉन्ग डालने के लिए या यूट्यूब पर कोई अच्छा वीडियो लगाने के लिए जब भी हम कोई गाना को अपलोड करते हैं तो वो कॉपीराइट आ जाता है। वो कैसे पता करेंगे कि हम जो भी हम वीडियो जो अपलोड करने वाले हैं पता करेंगे कि कॉपीराइट इसमें आएगा कि कॉपीराइट नहीं आएगा? बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी का भी गाना जो उठाकर यूट्यूब पर डाल सकते हैं, कॉपीराइट नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले छोटा सा आपको जैसे काम करना पड़ेगा, और चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं कि वो कौन सा काम है जिससे जो है कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट नहीं आने का एक छोटा सा भी है कि 6 सेकंड का अगर वीडियो आप अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट नहीं आएगा। 15 सेकंड से ज़्यादा वीडियो अपलोड करिएगा तो कॉपीराइट आएगा। लेकिन कभी कभी हमको लंबा वीडियो बनाना पड़ता है, लंबा गाना लगाना पड़ता है, उस समय क्या होता है कि कॉपीराइट आ जाता है। तो वैसा गाना को जो है से यदि म्यूजिक गाना को जो है हम कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि वैसा गाना जो है हम कहाँ से लाएंगे जो बिना जो कॉपीराइट वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं लाइव प्रूफ विदाउट कॉपी वाला गाना हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमको सीधा आ जाना है यूट्यूब में। यूट्यूब में आने के बाद जो यहाँ सर्च करना है विदाउट कॉपी वाला गाना के लिए, कोई भी गाना को आप सर्च यहाँ पर लिखे, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं धक धक करने लगा। धक धक करने लगा, देखिए लिख दिए हैं। लिखने के बाद सीधा आपको आ जाना है 3 आइकन में और यहाँ पर फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएटिव कॉमन्स, इसमें आना है और यहाँ अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसमें जितना भी गाना आपको आएगा उस सब गाना को जैसे में ये गाना को हम क्या करना है, सबसे पहले जो है इसे प्ले कर लेना है और देख लेना है। प्ले करने के बाद जो है इसे म्यूजिक बंद करते हैं, इसको यहाँ पर आते हैं और नीचे में आपको दिखाई दे रहा हो लाइसेंस में क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन लाइसेंस यूज अलाउड, मतलब जहाँ पर यूज अलाउड लिखा रहेगा उस सारा गाना को आप जो है से लगाइएगा तो कॉपीराइट नहीं आएगा, तो नहीं आएगा क्योंकि ये गाना को जो है से यूट्यूब जो है से परमिशन दे दिया है। ये गाना जो भी इंसान लगाएगा, जो भी आदमी इसको यूट्यूब पर अपलोड करेगा, इसमें कॉपीराइट कभी नहीं आएगा। ऐसे कर करके जो है आपके पास जितना भी गाना होगा वो गाना को यूट्यूब पर जाए सर्च करे, उसका फिल्टर में जाए, फिल्टर में जाने के बाद उसको जो है से कॉमन क्रिएटिव में ओके करे, फिर जो है से उसको गाना को जो है से एक बार चला के और नीचे जो आपको दिखाया लाइसेंस जो दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर जो है से देख ले यूज अलाउड अगर लिखल होगा तो वो गाना को बिंदास लगाइए, कॉपीराइट नहीं आएगा, तो नहीं आएगा 100%। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ना चलो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। मैं विशाल कुमार।